नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम DSSSB के प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस कवर किए हैं। इन क्वेश्चंस से हमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है कि हमें हमारे पढ़ाई का एटीट्यूड किस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है। तो ये क्वेश्चन हमसे बहुत कुछ बता के जाते हैं, तो इस सेशन को आखिरी तक देखिएगा, बहुत फायदा होगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पूछता है कि एंजाइम ड्रग यूज्ड फॉर एक्यूट ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट, है ना। ये जो एक्यूट ल्यूकेमिया होगा, ये कैंसर है ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज का, जिसमें बोन मैरो भी आएगा। तो इसमें ऐसा कौन सा एंजाइम ड्रग क्लास हम यूज कर सकते हैं? ऑप्शन दिया है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, एरोमेटेज, एस्परजिनेज या फिर DNA गायरेज। तो देखो, इस टाइप के ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे DHFR, यानी कि ये डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज वाले एंजाइम्स को, ठीक है। ये फोलिक एसिड रिडक्टेज को इनिबिट करेगा यहाँ पे, तो ये आगे उसका सिंथेसिस नहीं होने देगा, जो भी हमारा न्यूक्लिक एसिड है, इसलिए ये कैंसर को ट्रीट करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछता है चूज द एंटी कैंसर ड्रग पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट, है ना। पिरिमिडिन के एंटागोनिस्ट के बारे में पूछा है, ऐसा कौन सा एंटी कैंसर ड्रग है। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फ्लूरो यूरासिल, फिर मरकैप्टोप्यूरिन, थायोगोनिन, मेथोट्रिक्जेट। देखो यहाँ कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अगर प्यूरिन और पायरिमिडिन बेसिस पता हो तो हम इजीली आंसर दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ये देखो मरकैप्टोप्यूरिन है, इसके अंदर तो प्यूरिन है, हमें तो पायरिमिडिन चाहिए ना, तो प्यूरिन नहीं आएगा। मिथोट्रिक्जेट तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखो ये गोनिन है और ये यूरासिल है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्यूरिन बेस में एडेनाइन और गोनाइन आते हैं और पायरिमिडिन बेस के अंदर ये यूरासिल आता है ना। तो ये यूरासिल ही सही होगा इसका। 5-फ्लूरोयूरासिल करके ये ड्रग होता है, एंटी कैंसर में पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट होगा, ठीक है। थोड़ा लॉजिक भी लगाएंगे तो आंसर सही मिल जाता है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द ड्रग यूज्ड फॉर द इन्फ्लुएंजा ए प्रिवेंशन, है ना, इन्फ्लुएंजा टाइप ए के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन दिया है ए साइक्लोवीर, सैक्विनावीर, रिमांटिडिन या फिर फोस्कारनेट। तो ये इन्फ्लुएंजा ए के लिए आपने इसे ध्यान में रखना है, इसे ट्रीट करने के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए हमें अमेंटाडिन एंड रिमांटाडिन के जैसे ड्रग यूज़ किए जाते हैं। तो यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, रिमांटाडिन करके, ठीक है। अमेंटाडिन भी आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। देखो पूछता है ड्रग इनहिबिटिंग द वायरल DNA सिंथेसिस। देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो वन लाइन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करने की कोशिश करिएगा आप हर एक ड्रग के लिए। उसके लिए नोट्स बनाइएगा कि वन लाइन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप बना सके, जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा, वन लाइन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है हमें वायरल DNA इनहिबिटिंग के लिए, इंटरफेरॉन, अमेंटाडिन, सैक्विनावीर या फिर एसाइक्लोवीर। तो ये DNA के रेप्लिकेशन को, स्टेप को इनिबिट करता है, जहाँ DNA बनता है होस्ट सेल के अंदर। तो ये ड्रग होगा ऑप्शन डी, एसाइक्लोवीर करके, ठीक है। ये एसाइक्लोवीर ही है जो DNA सिंथेसिस को इनिबिट कराएगा, ठीक है। नागिन जैसे डिसीज में ये देते हैं एसाइक्लोवीर करके, ठीक है, हर्पस वाला जो होता है ना। नेक्स्ट है चूज द ड्रग यूज फॉर द एमेबियासिस ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है नाइट्रोफ्रांटाइन, एडेनो आइडोक्विनॉल, फिर पायराजिनामाइड और ये मेफ्लोक्विन। तो ये अमीबा की वजह से होने वाला जो डिसीज है एमेबियासिस, तो इसमें क्या यूज़ किया जाता है? देखो आमतौर पर तो हमें मेट्रोनिडाजोल आंसर पता होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, तो फिर हमें ये दूसरे भी ड्रग को थोड़ा याद रखना है। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयोडोक्विनॉल, और इसमें और एक ड्रग है पैरामोमाइसिन भी यूज़ किया जाता है। मेट्रोनिडाजोल, पैरामोमाइसिन और ये आयोडोक्विनॉल जो है एमेबियासिस के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछता है द ड्रग यूज फॉर मलेरिया कीमोप्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट भी करना है और कीमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए भी, ऐसा कौन सा ड्रग दिया जा सकता है मलेरिया के अंदर? ऑप्शन दिया है क्लोरोक्विन, क्विनिन, क्विनिडिन या फिर सल्फोनामाइड। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ये ऑप्शन ए, क्लोरोक्विन ही दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोर अमाइनो क्विनोन के क्लास में आता है ये। नेक्स्ट देखते हैं अभी।
तो देखिए कितने आसान सवाल है, पर अगर हम एग्जाम देने जाए तो शायद कन्फ्यूजन में बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा सीरियसली ये छोटे छोटे पॉइंट को कवर करने की कोशिश करना है, ताकि फार्मासिस्ट जैसे एग्जाम को हम आसानी से क्लियर कर सके। ठीक है, अभी महाराष्ट्र के भी एग्जाम है, तो उन लोगों ने इसी तरह प्रिपरेशन करना है, यही हमारा ये आइडियल रखना है कि इस टाइप का आपने प्रिपरेशन करना है। तो नेक्स्ट देखो, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सिफिलिस ट्रीटमेंट इज, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल और डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये एसटीआई है, सेक्स रिलेटेड सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज होगा ये। तो सिफिलिस के अंदर सबसे पहले जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाला था पेनिसिलिन, तो वही इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये। ट्रिपेनोमा पैलिडम इसका ये कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा, तो इसके लिए ये पेनिसिलिन ही ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, इसके कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पूछा जाता है, ट्रिपेनोमा पैलिडम करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्शन इज थ्रू द इनहिबिशन ऑफ, ठीक है, सारे एंटीबायोटिक्स की हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, साइट ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं एंटीमाइक्रोबियल एंटीबैक्टीरियल के ऊपर, तो वो सारे आप लोगों ने देख लेना है। तो यहाँ ऑप्शन देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए दिया है कि ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, आरएनए एंड डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, या फिर सेल मेम्ब्रेन परमियाबिलिटी को इनहिबिट करेगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, स्टेप टू इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा इसका, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर द कैंडिडियासिस ट्रीटमेंट, ठीक है, ये कैंडिडियासिस जो है फंगल वाला डिसीज, तो इसमें क्या देंगे हम ट्रीटमेंट के लिए। ऑप्शन दिया है ग्रिसियो फल्विन, नाइट्रोफंगिन, माइकोनियाजोल या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसके लिए सही जवाब होगा ये ऑप्शन सी, माइकोनियाजोल दिया जाता है ये कैंडिडियासिस के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट सवाल है, चूज द ड्रग बिलोंगिंग टू द एंटीबायोटिक अमाइनोग्लाइकोसाइड, तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड में कौन सा ड्रग आता है वो बता रहे हैं, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं एंटीमाइक्रोबियल के अंदर। तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड में कौन आएगा, इरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, वैंकोमाइसिन या फिर पॉलीमिक्सिन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन बी, जेंटामाइसिन। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स के अंदर चला जाता है, तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड के अंदर कौन कौन आएगा, जैसे अमिकासिन आएगा, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर नियोमाइसिन, टोब्रामाइसिन जैसे ड्रग यहाँ पे आते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर। तो क्लासिफिकेशन को बार बार रिवाइज करना है आप लोगों ने, ठीक है, जो भी अभी महाराष्ट्र के अंदर होने वाले डीएचएस जेडपी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर डीएसएसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को मैं खास करके ये सजेशन दे रहा हूँ कि आपको ये क्लासिफिकेशन पे थोड़ा जोर देना है, और वन लाइन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर मैं भी कोशिश करूंगा कि ऐसे वीडियो आपको अवेलेबल करा के दे सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक इनहिबिटिंग बैक्टीरियल आरएनए सिंथेसिस, ठीक है, फिर से वन लाइन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ऑप्शन में दिया है इरिथ्रोमाइसिन, रिफाम्पिन, क्लोरामफेनिकोल या इमिपेनेम। तो ये आरएनए के लिए हमें बहुत लोगों ने याद रखते हैं ना, ये आर से आरएनए, तो हाँ इसका सही जवाब यही है ऑप्शन बी, रिफाम्पिन, जो टीबी के अंदर और लेप्रसी के अंदर बहुत जाना माना ड्रग है ये रिफाम्पिन, तो यही है वो बैक्टीरियल आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जैसे लेप्रोमेटस लेप्री बैक्टीरिया है और ट्यूबरकुलर का भी जो बैक्टीरिया है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, उसे भी ये आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करा के उसे इनहिबिट करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, आइडेंटिफाई द ड्रग बिलोंगिंग टू द एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, फिर से क्लासिफिकेशन के ऊपर है, टेट्रासाइक्लिन में कौन से ड्रग आते हैं हमें पता होना चाहिए। इसमें ऑप्शन दिया है डॉक्सीसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर क्लारिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन। ठीक है, तो इसमें सही जवाब होगा ये डॉक्सीसाइक्लिन। तो जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, डिमेक्लोसाइक्लिन जैसे ड्रग ये इसमें आते हैं, टेट्रासाइक्लिन के अंदर मिनोसाइक्लिन आएगा, टेट्रासाइक्लिन आएगा। ठीक है, तो ये क्लैरिथ्रो को जानते हैं आप, ये मैक्रोलाइड्स के अंदर आता है, एमेक्सिसिलिन ये पेनिसिलिन क्लास से रिलेटेड है, स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड होगा, अमाइनोग्लाइकोसाइड के साइड इफेक्ट पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने उसके एडवर्स इफेक्ट को भी अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो पूछता है ड्रग इज यूजुअली गिवन इन कॉम्बिनेशन विद द थायाजाइड डायूरेटिक, थायाजाइड डायूरेटिक्स के साथ में और कौन से ड्रग देना बहुत जरूरी है।
ऑप्शन दिया एसिटाज़ोलामाइड, जिसका ये ब्रांड नाम है डायमॉक्स करके, फ्यूरोसेमाइड लैसिक्स करके आता है, हाइड्रोक्लोरथायजाइड हाइड्रोडायरिल करके आएगा, और आइए अमीलोराइड जो मीडियामॉर करके आता है, मीडियामॉर, ठीक है, ये मीडियामॉर करके आता है ब्रांड नेम इसका। तो हमें पता होना चाहिए कि थायजाइड डायुरेटिक्स क्या करता है, ये पूरे के पूरे शरीर के अंदर जितने आयंस है, वाटर है, इसको बाहर निकालने का काम करता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। इसके साथ हमें कौन सा ड्रग देना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन डी है अमीलोराइड, ये इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये क्या है, ये पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक है, ये पोटेशियम को बचा के रखता है बॉडी में। तो थायराइड डायूरेटिक्स के साथ में जो हमें हाइपोकैलेमिया देखने मिलता है, जो पोटेशियम की लेवल कम हो जाती है ब्लड के अंदर, तो उसे बचाने का काम ये अमीलोराइड करेगा, क्योंकि ये पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक है, ये पोटेशियम को बचा के रखता है। तो ये कॉम्बिनेशन हमें देना चाहिए थायराइड के साथ में अमीलोराइड करके, ठीक है। इसमें और दूसरे ड्रग आते हैं, जैसे ट्रामटेरिन आएगा, स्पायरोनोलैक्टोन आएगा, जो पोटेशियम स्पैरिंग डायुरेटिक्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो पूछता है द ड्रग एक्ट्स इन द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल इज, ठीक है। हमें ये नेफ्रॉन पता होना चाहिए, ये नेफ्रॉन इस टाइप में होगा, यहाँ से होगा ये लिपोफेनले, और ये डीसीटी, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, ये डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, ये कलेक्टिंग ट्यूबुल होगा सीटी, और ये लूप ऑफ हेनले होगा, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो इसके साइट ऑफ एक्शन पर कौन से ड्रग काम करते हैं वो पता होना चाहिए। हमें तो पूछा है डीसीटी के ऊपर, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, यहाँ पे कौन काम करेगा। तो ऑप्शन दिया है लूप डायोरेटिक्स, थायराइड डायोरेटिक्स, पोटेशियम स्पैरिंग डायोरेटिक्स, और कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनहिबिटर। तो मैं आपको बता दूं, इसके नाम में देखो लूप डायुरेटिक्स है, तो ये लूप ऑफ हेनले पे काम करेगा, इस साइड पे, यहाँ पे काम करेगा ये लूप डायुरेटिक्स, ठीक है। लूप डायुरेटिक्स यहाँ पे काम कर गया, थायराइड डायुरेटिक्स है जो यहाँ पे काम करेगा, डीसीटी के आंसर। तो आसान सी बात है, हमारा यही है आंसर बी, थायराइड डायुरेटिक्स जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल पर काम करेगा। नेक्स्ट मैं बता दूं, ये पोटेशियम स्पैरिंग डायुरेटिक्स है, जिसके अंदर हमारा स्पायरोनोलैक्टोन ड्रग है जो काफी फेमस है, अमीलोराइड ट्रामटेरिन जैसे ड्रग यहाँ पे काम करेंगे, ये पोटेशियम स्पैरिंग वाले यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। ये पोटेशियम को बचा के रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते। और नेक्स्ट बात करेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर, जिसका खास एग्जांपल होता है एसिटाज़ोलामाइड करके, वो यहाँ काम करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर, ठीक है। इसमें एसिटाज़ोलामाइड काम करता है, ये पीसीटी के यहाँ काम करेगा, फिर लूप ऑफ हेनले पे लूप डायरेटिक्स, ये होगा यहाँ पे फुरोसेमाइड जैसे ड्रग आएगा, फुरोसेमाइड थक्राइनिक एसिड, और यहाँ पे थायजाइड लाइक ड्रग काम करेंगे, और यहाँ पे पोटेशियम स्पैरिंग वाले काम करेंगे। तो हमारा आंसर हो गया थायजाइड डायरेटिक्स है, वो जो डीसीटी पर काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है अभी, देखो पूछता है रिकमेंडेड फ्लूराइड डेरी अलाउंस है ना, फ्लूराइड क्यों लेते हैं हम, डेंटल कैरिस को बचाने के लिए, डेंटल कैरिस से बचने के लिए। तो फ्लूराइड का डेली अलाउंस कितना है, डेली डोज कितना होगा। ऑप्शन दिया है 1.5 से 4 mg, 600 से 900 ग्राम तक, 25 ग्राम, या फिर 350 से लेकर 400 मिलीग्राम तक। तो इसका सही जवाब हमें पता होना चाहिए, ये मिलीग्राम में होता है, 1.5 से लेकर के 4 मिलीग्राम तक इसका डेली डोज होता है एडल्ट डोज में। तो इसे याद रखना है, ऐसे बहुत सारे जो भी माइक्रो इलेमेंट्स हैं उसका डोज भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड इफेक्ट ऑफ कैल्सिटोनिन इज, ठीक है। ये कैल्सिटोनिन जो है ऑस्टियोपोरोसिस, जो बोन का ब्रिटल बनाते हैं, उसे डिसीज से बचने के लिए कैल्सिटोनिन दिया जाता है। तो इसका साइड इफेक्ट हमें बताना है क्या करेगा, ये हाइपर कैल्सीमिया करेगा, मेटास्टैटिस कैल्सिफिकेशन करेगा, या फिर टिटैनी, या फिर जीआई टॉक्सिसिटी करेगा, ये क्या करेगा इसमें से। तो मैं आपको बता दूं, ये कैल्सिटोनिन जो है वो हाइपोकैल्सीमिया कराता है, तो ये ब्लड में से कैल्शियम को हटा करके बोन तक पहुंचाने का काम करेगा, तो ये हाइपोकैल्सीमिया कराएगा, हाइपर कैल्सीमिया नहीं कराएगा ये। और नेक्स्ट मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन भी नहीं कराएगा, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, टिटैनी कराएगा, ये मसल क्रैम्प्स ला सकता है, टिटैनी यानी क्या, मसल क्रैम्प्स होते हैं ये, ठीक है, मसल में ये कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर सकता है, तो ये मसल क्रैम्प्स ला सकता है, यानी टिटैनस कर सकता है, ये कैल्सिटोनिन का साइड इफेक्ट है, तो इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड
in treatment of gout has as its primary effect the reduction of uric acid synthesis. देखो यहाँ पे वन लाइन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है कि ये किस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, कि ये यूरिक एसिड सिंथेसिस को ही रिडक्शन में कन्वर्ट कर रहा है, यूरिक एसिड का सिंथेसिस स्टॉप कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है. तो ऑप्शन दिया है एलोपुरिनॉल, सल्फिन पाराजोन, कॉल्चिसिन या फिर इंडोमेटासिन. तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा, हमें सबको पता ही है, ऑप्शन ए एलोपुरिनॉल ही है जो जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करा करके यूरिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक कराता है. ठीक है, तो इसे याद रखना है, एलोपुरिनॉल ये सिंथेसिस को ही ब्लॉक कराता है. और फिर मैं बात करूँ ये सल्फिन पायराजोन की, तो ये क्या कराता है, ये यूरिकोसरिक ड्रग होता है और ये इसमें प्रोबेंसिड भी आता है, इसमें प्रोबेंसिड ये क्लासिफिकेशन बेस है, ये ड्रग जो है ये यूरिकोसरिक ड्रग होते हैं. ठीक है, ये हाइपर यूरिसीमिया जब हो जाता है तो ये इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है क्रोनिक गोट के इसमें. और ये यहाँ पे ये कॉल्चिसिन और इंडोमेटासिन है, ये नेचुरल प्लांट अल्कलॉइड होगा. ठीक है, ये प्लांट अल्कलॉइड है, कॉल्चिकम अटिमनाले से मिलता है ये एक्यूट केस में दिया जाता है, और ये जो है ये क्रोनिक केस में दिए जाते हैं. इंडोमेटासिन जो है ये एनएसएड है, ये नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है इंडोमेटासिन करके, तो ये भी यूटिलाइज किया जाता है. ठीक है, कॉल्चिसिन और इंडोमेटासिन जो है वो एक्यूट केस में, और ये सल्फिन पैराजोल, प्रोबेंसिड, यूलुप्रिनॉल जो है ये सारे क्रोनिक केस में दिए जाते हैं, क्रोनिक गाउट केस में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अभी. देखो पूछता है दिस ड्रग बोथ इनिबिट्स एन एंजाइम एंड इनडायरेक्टली एनहांसेस द क्लियरेंस ऑफ द एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स. तो ऐसा कौन सा ड्रग है जो दोनों एक्टिविटी दिखाएगा, एक तो एंजाइम को भी इनिबिट करेगा और इनडायरेक्टली ये एलडीएल का क्लियरेंस भी बढ़ाएगा, यानी एलडीएल को भी कम करेगा. तो ऐसा कौन सा ड्रग है, ये हाइपोलाइपिडेमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन के ऊपर आधार पर क्वेश्चन है. ऑप्शन दिया है कोलेस्टायरामाइन, लोअस्टैटिन या फिर निकोटिनिक एसिड या फिर प्रोबिकॉल. तो हमें उसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए. ये जो कोलेस्टायरामाइन है बाइल एसिड सिक्वेस्टर्स में आएगा ये. ठीक है, और ये जो है ये इनिबिट द एच एम जी को ए रिडक्टेज को इनिबिट करता है ये ड्रग. ठीक है, और ये एच एम जी को ए रिडक्टेज को इनिबिट करने की वजह से मेवालोनिक एसिड का सिंथेसिस कम होगा और उसकी वजह से कोलेस्टेरॉल भी कम हो जाता है ना. इसको इनिबिट करेगा तो कोलेस्टेरॉल कम होगा, और कोलेस्टेरॉल जब कम होता है तो ये ही सेंसिटाइज करता है कि एलडीएल रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ये इसको स्टिम्युलेट करेगा. रिसेप्टर बढ़ रहे हैं यहाँ पे, रिसेप्टर जैसे बढ़ेंगे तो एलडीएल ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा ना. ये रिसेप्टर को ज्वाइन होते रहेगा और उसको लेवल जो है वो कम होगी, इसका रिजल्ट क्या होगा, एलडीएल कम होगा. तो देखो यहाँ पे ये एंजाइम को भी एक्ट कर रहा है, इसको इनहिबिट कर रहा है और एलडीएल को भी क्लियरेंस को बढ़ा रहा है. तो इसका जाहिर से है कि ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा. यहाँ पे ये निकोटिनिक एसिड भी आते हैं लेकिन इसका क्लासिफिकेशन अलग है. प्रोबोकॉल जो है वो अदर कैटेगरीज में आएगा. ठीक है, लाइपोलाइसिस कराने में आते हैं निकोटिनिक एसिड, नियासिन जिसे बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फाइब्रेट्स भी आते हैं, ये हाइपोलाइपिडी में आप क्लासिफिकेशन देख लेना इसका अच्छे से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज अ फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी. ठीक है, जो भी फाइब्रिन होगा, थ्रोम्बस होगा, उसे ब्रेक कर रहा है, लाइटिक यानी क्या, ब्रेक करना. तो ऐसा कौन सा एंजाइम है ये पूछा है. ऑप्शन में दिया है पेप्सिन, यूरोकाइनेज, जेल आस्पार्जिनेज या फिर लाइकलेज. तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में तो मज़ा है नहीं, तो ऑप्शन बी जो होगा यूरोकाइनेज ही आपको टिक करना है. ये यूरोकाइनेज ही है जो फाइब्रिनोलाइटिक करके यूज़ किया जाता है, यूरोकाइनेज, स्ट्रिप्टोकाइनेज जैसे ड्रग आते हैं ना. ये थ्रोम्बोलाइटिक होते हैं, जो भी ब्लड का क्लॉट होगा उसे ये बस्ट करेंगे, तो ये क्लॉटिंग, क्लॉट बस्टिंग ड्रग होते हैं, ये क्लॉट बस्टिंग बोला जाता है इनको. ये थ्रोम्बोलाइटिक होते हैं, लाइटिक यानी ब्रेक करना. ठीक है, तो जो भी लंग के अंदर वगैरह जहाँ पे भी ब्लड क्लॉट है अननेसेसरी, उसे डिजॉल्व करने का काम करते हैं, वो क्लॉट को ब्रेक करने का काम करते हैं ये ड्रग, ये एंजाइम है ये एक्चुअली. नेक्स्ट है क्वेश्चन, लूजनिंग ऑफ टीथ, जिंजिवाइटिस एंड हिमोरेज ऑकर इन द डिफिशियंसी ऑफ. देखो ये दांतों के लिए बताया जा रहा है, तो ये किसकी डिफिशियंसी से होगा, तो जाहिर सी बात है ये सबको पता ही होगा. यहाँ पे ऑप्शन देखो, विटामिन के, विटामिन बी वन, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सॉरी विटामिन सी. तो सही, हम एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो लेते हैं, आंवला,
जो दांतों को अच्छा रखता है। यहाँ पे दांतों की कंडीशन बिगड़ती जा रही है, तो यहाँ पे ये विटामिन सी की डिफिशियंसी से ही होता है ये सब। तो विटामिन के तो ये क्लॉट के लिए नेसेसरी होता है। अगर विटामिन के की डिफिशियंसी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ेगा, ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं होगा। विटामिन B1 जो है थायमाइन, इसकी डिफिशियंसी से जो डिसीज़ होता है उसका नाम होता है बेरी बेरी। और यहाँ पे विटामिन B6 है, इसके अगर डिफिशियंसी हो जाए तो इसमें बहुत सारे हमें साइड इफेक्ट देखने मिलते हैं, जैसे ग्लॉसिटिस हुआ, चिलोसिस, डर्मेटाइटिस, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इस टाइप के बहुत सारे इसके डिफिशियंसी सिम्टम्स देखने मिलते हैं। तो ये सारे विटामिन्स को भी हमने अच्छे से कर लेना है। ये भी ऐसे फार्मासिस्ट जैसे एग्जाम के लिए बहुत मायने रखने वाले क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और अगर ऐसा हुआ है दोस्तों तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों, ताकि मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।